Hello, greetings. I'm in a panic-struck condition. My father's family and my father has turned out to be evil. Well, I should have known this from. I mean, I knew, but you see, we forgave, we overlooked whatever they did to us. They are not humanitarian. They are very, very wicked people. अभी ये हालत हुई है कि ना हॉस्पिटल के रहे हैं. आई वेंट टू द हॉस्पिटल, केम बैक इन द मिडल ऑफ माई. आई डिडंट गिव अ ब्लड टेस्ट, आई डिडंट गिव एनी टेस्ट. इट्स स्टिल हर्टिंग मी एंड आई फील समथिंग अराउंड हियर साया की तरह. एंड आई एम टेलिंग माई सेल्फ, you feel something, it's not mummy, is it? It's not Mrs. Munira Gulzar. एक दफ़ा ख़राब कर देते हैं, बहुत बुरा जादू करते हैं. मेरी माँ को भी ऐसे कर दिया था. अच्छा ना, हम लोग डेंटिस्ट के रहते हैं, बहुत मुश्किल से जाते हैं, बहुत मुश्किल से दांतों को, बेचारी मेरी माँ की. मेरा फादर एक नेग्लिजेंट. अच्छा मुझे फिर सर में दर्द हो जाएगा अगर मैं इकबाल इकबाल इनके बारे में कुछ कहूँगी, सर फाड़ देते हैं. लेकिन लगता नहीं है. तो अभी जैसे ना इस पार्ट का एक्सरे निकलना चाहिए कि क्या हेयरलाइन फ्रैक्चर कुछ ऐसा हुआ है कि बोन को भी लगा है साइड पे, ये रिब्स तो दर्द हो रहा है. अच्छा मेडिसिन भी है. मैंने फार्मासिस्ट से पूछा तो उन्होंने दिया है, फिर भी वो डीप लग रहा है, लाइक पेन. इधर मुझे बोन भी लग रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता. पेन ऐसे हाथ लगाने से नहीं होता है, जैसे मेरा लोअर बैक दुखता था ना, पता नहीं चलता था कहाँ है पेन. फिर लेकिन साइड पे सो तो फिर पता चलता. तो हॉस्पिटल के हम नहीं रह रहे, पता नहीं क्या है, कोई पता नहीं परवाह करता है या नहीं करता है, और इसमें हम परे हुए हैं. प्लीज़ शियाओं को नहीं मारो, हेट शियाज नहीं करो, काफिर शिया. अभी ये बाकी है. देखें जो गुलजार एलिया ने कहा, I don't know. Again, I have to start to talk to this person. ये क्या है, ये हारे सुल्तान और ये के हिंदूज 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 कहाँ शियाओं के पीछे पड़े हैं? हिंदूज मुसलमानों के पीछे पड़े हैं उधर, बहुत कंपेरेटिवली पाकिस्तान से तो बहुत कम. मुझे लगता है, मुझे ये नहीं कहो कि मैं अपनी दुनिया में रह रही हूँ. और ये गुलजार एलिया ने क्या सेम रिलीजन इस्लाम और हिंदुइज्म, हिंदुइज्म शायद इस्लाम से ज़्यादा ख़राब होगा कि इतना स्पिरिचुअली वो करता है, ख़त्म कर वो मिसगाइड करता है. मारता तो नहीं है जैसे पाकिस्तान में हो रहा है. यू कैन आई एम टेलिंग हारिस सुल्तान एंड ऑल दिस पीपल, हाउ कैन यू इक्वेट हिंदुइज्म विद इस्लाम? अच्छा बिल्कुल इक्वल लेवल पे रखना. हाँ मैंने भी कहा है कि ऐसे रिलीजन जो स्पिरिचुअली धोखा देते हैं वो भी बहुत ख़राब होते हैं. शायद इस्लाम में तो स्पिरिचुअलिटी भी है, हर चीज़ थी ना. अल्लाह स्पिरिचुअल है, सब स्पिरिचुअल है. बस नॉक एंड यू शैल फाइंड. इट्स लाइक क्रिश्चियन का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. अभी मुझे कोई तो ये क्या है, ये तो होता नहीं रहा है. कनेक्टिक इज इट किनेसिस या व्हाट एनर्जी इज इट? देखें नाउ द थिंग इज आई वाज टेल आई टोल्ड अपोस्टेट प्रॉफिट फाइंड प्रूफ, यू हैव टू फाइंड द प्रूफ. यू सी फॉर जिन्स नाउ, whether Allah exists, whether Muhammad
was a messenger of Allah. I was wondering about these things, like how to find out. Then there are imams thereafter. We forget the Shia part. Christian prince remembers, and he gave some ridiculous hadiths from our Sunni sources. Oh no, Shia sources too. तो उधर मैं हैरान हो गई कि यू नो मुझे गुस्सा आया कि ये कैसे हमें धोखा दिया है आलिमों ने, शिया आलिमों ने भी. हालांकि ये रिलीजन बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा. देखें, जीसस क्राइस्ट अभी तक वापस नहीं आया है. ही हैज़न्ट कम बैक एज ए प्रोमिस. देखें हमारे एटलीस्ट इन शिया इस्लाम, लेकिन क्रिश्चियंस अपने आप को क्या समझते हैं, तो हम तो हैरान हैं. सॉरी, अभी यू नो आई एम हैरान, आई एम सरप्राइज्ड, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. तो हमारे जो रिलीजन है ना, उसमें अगर इमाम हर वक्त वो गुरु जैसा है, वो गुरु से ऊपर है, वो हर चीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंडिया में गुरुज है ना, फॉल्स गुरु भी हो सकते हैं, फिर तो आपकी लाइफ गई. तो हमारी यहाँ था, हम वापस शिया इस्लाम में आते हैं कि ट्रू इमाम कभी आपको मिस गाइड नहीं करेंगे. तो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, बाबास वाबास के पास नहीं जाओ. अली अली इमामत लो हर एरा में. ऐसा मोहम्मद ने जो हमें दिया है इमामत, वो किसी ने, किसी रिलीजन ने नहीं दिया. देखे, जूस का ख़त्म हो गया, सिलसिला ही ख़त्म हो गया. अब उनके पास कोई इमाम नहीं है, अब कैलिफ की तरह ना, पॉलिटिकली नहीं, वो अपने लोगों को हेल्प करता है स्पिरिचुअली. स्पिरिचुअल फादर जैसे हिज़ हाइनेस आगा खान है. देखेंगे हिंदूज भी इधर उधर मुझे बोलते हैं गीता ये करो, फिर से होली स्क्रिप्चर्स में आओ, होली स्क्रिप्चर्स से लो. तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस थिंग. अल्लाह बेचारों ने एक लाइव स्ट्रीम की थी अभी लास्ट नाइट, हिंदू व्हाट इज़ अ हिंदू. तो मैं इनके रिलीजन के बारे में पूछने लगी ना, सो सॉरी अपोलोजाइज. मैंने कहा थैंक्स बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड. आई एम रियली आई वांटेड टू से आई एम बट आई सेड माइल्डली आई एम डिसअपॉइंटेड. वो बेचारों ने अपना हिंदू के उधर ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इधर उधर में हमारे हिंदूज को, और अपने सिविलाइजेशन के बारे में कह रहे थे. और मैं टुली थी इनको हिट करने के लिए कि तुम लोग नहीं मानो कि ये तुम लोगों का रिलीजन है, एंड डोंट बी डिसऑनेस्ट हियर. तो मैंने बहुत पोलाइटली कोशिश की, जो जवाब मुझे उधर लाइव चैट में दे रहा था, दे रही थी, तो उनको मैं कर वो हो गई थी ना, आई वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, क्वेश्चनिंग देम. सो आई गॉट डिसअपॉइंटेड. ये सब होली स्क्रिप्चर्स और ये हो, ठीक है. गीता इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कुरान डेफिनेटली. आई मीन कितना कृष्णा समझाता है ये, फिर भी लाइक आई वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट. जिटू कृष्णा मूर्ति ने कहा कि कोई बुक नहीं, तो जिटू कृष्णा मूर्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि ही वॉज एन ऑकल्टिस्ट. ही वॉज इन, कभी वो बेचारा ऑकल्टिस्ट में था ये. खैर, हिंदू सुधर जाओ. नहीं नहीं उनके रिचुअल्स हैं, वर्शिप हैं, फिर भी ये कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ रिलीजन. आप बोलें दिस इज़ नॉट एन अब्राहमिक रिलीजन, बट यू हैव द डिविनिटी, यू वर्शिप समवन, यू हैव रिचुअल्स, इट इज़ आर कल्चर. फिर बोला मैंने कहा कल्चर में ही आपका रिलीजन है, जो इन्होंने ख़ुद बोला ना. तो मैंने वो सब पूरा आस्किंग, बेचारे ये जो तीन आए थे ये एक क्या है
इंडियन चैनल है यूट्यूब है, मेरे को वर्शिप है, रिचुअल्स हैं, गीता पढ़ो, ये पढ़ो, गुरु लो, और फिर भी ये रिलीजन नहीं है, तो ये थोड़ी डिसऑनेस्टी है इंडिया में। और हमें कहा गया था एक मजलिस में कि इधर उधर बाबा जी और ये इनके पास नहीं जाओ। वैसे भी देखें योगा के लिए कितने पैसे ले रहे हैं, क्या ब्रिटेन में हम योगा, अभी अमेरिका में तुम लोग योगा सेल कर रहे हो, मेरा मुंह नहीं खुलाओ, मैं भी गुलजार एलिया की तरह उधर डॉक्टर पिलाए हैं, ऐसा इट इज़ सो एक्सपेंसिव। मतलब बेचारों के पास जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मेरे जैसे गरीब गुरबा जो इधर हैंड टू माउथ हैं, बिकॉज इधर हाई स्टैंडर्ड है, मुझे भी हाई स्टैंडर्ड। खैर सुने, तुम लोग सुधर जाओ, हिंदूज तो हिंदू को हम तरी दे सकते हैं, लाइक सुधर जाओ। तो मैं देखिए मेरा ये स्टाइल है ही नहीं, अपोस्टेट प्रॉफिट इज़ अ वेरी वैल्यूबल पर्सन फॉर या ही वाज ही टुक द व्हाट शल आई से ही स्पोक अबाउट बीइंग ब्रेव इन अमेरिका, आई डोंट नो, बट व्हाट इज दिस, सॉरी आई कैन नॉट डू जस्टिस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो वो आज यस्टरडे एक पोस्ट, देयर वाज अ पोस्ट फ्रॉम अपोस्टेट प्रॉफिट कि मुसलमान को कह रहा था कि चेंज नाउ, आई एम नॉट इन, नो आई लव दिस रिलीजन, शिया इस्लाम क्या है, यू नो व्हेन दिस बीफेंडर्स एंड दिस क्रिश्चियंस देमसेल्व्स से व्हाट इज मोहम्मद गिवन, व्हाट इज द प्रोफेसी, मोहम्मद गेव इमामत टू अस, योर क्रिश्चियन, योर जीसस क्राइस्ट हैज नॉट कम एज येट, और ये वो फिर लड़ाई हो जाएगी, देन वी विल हैव अ फाइट हियर। क्रिश्चियंस को हम नहीं, तोबा तोबा, आई डोंट वांट दैट बैकलैशिंग फ्रॉम क्रिश्चियंस। वो आ जाएगा कि तुम लोगों का मुद्दा प्रॉस्टिट्यूशन है, हमें कहा गया था कि इनको आज एक एवेन्यू है, अडल्ट्री नहीं करो, ऐसे कि अडल्ट्री और फॉर्निकेशन के लिए बड़ी बड़ी सजाएं हैं, तो एक एवेन्यू खोलिए कि तुम लोग का। And you know what is mutta for us Shias? 3 mahine ho, 3 hours? Never heard. Anyways, no one explained. The man takes the responsibility. Chalo, he enjoys the bloody thing. Okay? He does it for pleasure. Or he does it for his natural needs. Warna, mujhe koi London mein keh raha tha ki, like, this is very unhealthy. तो वो विमेन के लिए तो हम मुसलमान, या दिस इज़ ऑल लॉब्स, आई कैन सी, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स दिस टेम्पररी मैरिज, आई एम जस्ट गिविंग यू माय साइड, आर शिया साइड, क्रिश्चियंस आर हैविंग दोज हु हैव टेकन दिस अप, अपना बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, ठीक है, व्हाट अबाउट जीसस क्राइस्ट सेइंग दैट तुम लोग अडल्ट्री, तुम लोग अपने आप को कवर करो फिर, बिकॉज जीसस क्राइस्ट ने तो कहा अडल्ट्री इज दैट इफ यू सी, इफ यू यू नो इट्स फ्रॉम द हार्ट। तो अजीब किस्म का है ना हमारे लिए एक टेस्ट, तो मोमिनीन शिया मोमिनीन मोमिनात, एक तरफ से सुन्नी हमारे पीछे पड़े हुए हैं मारने के लिए, एक तरफ से ये निकले हुए हैं P. Fender, Mr. J. with the due respect. और ये सब ना ऐसा लगता है मुझे भी किसी ने इधर साइड पे चाकू मार डाला है,
चाकू स्टैब किया है, तो स्पिरिचुअली स्टैब कर दिया है। तो ये अगर देखें, आई मीन एक रिलीजन है और सेंटिमेंट्स तो हैं मद्देनज़र। हम वो सुन्नी जैसे नहीं कि आके जला देंगे, आके स्टैब कर देंगे, लेकिन हम भी हम जवाब मुंह का जवाब मुंह का जवाब देते हैं। और ऐसे ना, अगर इफ़ दे कम टू अस, इफ लेट्स सपोज समवन लाइक हाथून इज गोइंग इन द पार्क ओवर स्पीकर्स कॉर्नर, वी हैव नथिंग बिकॉज शी कैन से व्हाट शी वांट्स टू से। लेकिन इफ शी अप्रोचेज मी एंड आस्क मी अबाउट, देन आई हैव द राइट टू टेल हर, वरना इधर उधर मुझे ज़रूरत नहीं है जाने की। बोले मोहम्मद, बोले कुरान में होल्स हैं, ये हैं वो, मैं खुद बोल रही हूँ कि ये क्या है। लेकिन एज ए शिया आई एम टॉकिंग, अगर वो हमारे पास नहीं आते हैं तो हमारा क्या है? हम तो अपना वो अपना रिलीजन लो, पर्सनल काम करो, अपने पे काम करो, जिहाद अकबर करो, अपने आप को उस मकाम तक लाओ कि बीबी फातिमा ज़हरा आके कहे कि मरहबा। ऐसा ना, हमारा तो द बेस्ट थिंग टू डू। बट द रीज़न आई एम शेयरिंग इज़ दैट आई हैव रीजंस, या ना मुझे, और फिर मुझे क्या मैं कन्विंस करना, बिकॉज एक इंसान को एक चस्का लग जाता है ना, एडिक्शन, और ये एक वो हो जाता है ना कि छोड़ दो इस्लाम, छोड़ दो, ये बहुत बुरा है, जब इंसान देखते। अच्छा, लेकिन देखिए हिंदुइज्म में पता नहीं है या नहीं है कि आप अगर अपना ब्राह्मण रिलीजन छोड़ दें तो वो बाप मार भी सकता है बेटे को। आपको पता है सिद्धार्थ, मैंने पढ़ा था कैसा वो अपने बाप के पास जाता है, बिल्कुल पहले तो बहुत मुश्किल से सोच समझ के बाव डाउन, लाइक सर झुका के अपने बाप को बोलता है कि मुझे ब्राह्मण ये छोड़ना है, मैं अपने जूत के सर्च खुद जा रहा हूँ। लेकिन इधर ना, इधर इस सदी में, इन दिस सेंचुरी, मुसलमान हमारे अपोस्टेसी मार रहे हैं, ब्लास्फेमी, ये बंद करें। देखिए हमारा ये एक्चुअली ये है कि आप छोड़ें ट्रूथ सीकर्स, वो शायद देखिए शायद हाँ कुरान से ये भी बताना है और अहले बैत को भी बताना है, हालांकि हमारे रसूलुल्लाह ने कहा वॉक विद देम, डोंट वॉक बिहाइंड देम, डोंट वॉक अहेड ऑफ देम, इनको आप नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि ये रिलीजन फॉल्स है, और ये क्या है कि आपके सब दुश्मन नहीं हैं, दुश्मन है बने या बिनते नबी फात, ये पता है हम ऐसे लोग मर्दों के सामने पढ़ भी नहीं सकते हैं, हम औरतों की मजलिसों में पढ़ते हैं। ये दुश्मन आपके हम नहीं बने हैं, आई वॉज ए शिया मुस्लिम। तो लाइन पे आ जाओ अपने जहरा जवाद के, अपोस्टेसी जो ट्रूथ और जो बोल रहा है, पोस्ट कर रहा है, जो बता रहा है आपको, बिकॉज ये एक रिलीजन है आजकल इस सदी में भी, जाके अपोस्टेट्स को, यानी अगर लीडर इधर हमारे हिज हाइनेस को पता चल गया कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे एग्जीक्यूट कर देंगे वो, मेरे मेरे पहले तो मेरे शिया के उधर जाएंगे, पूछेंगे ऐसे। तो अभी दुबई वाला शेख थोड़ा
इधर मेरे साथ, बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, पता नहीं क्या है। देखें, मैंने इनको इतनी धमकियाँ दी पागलपन में, क्या नहीं किया, नहीं आए मेरे पास, वरना तो ऐसे डिपोर्ट विपोर्ट डिसअपीयरेंस हो जाता है। तो मुझे तो बहुत वो दिया हुआ है, और तो आजकल की, खैर कमिंग टू द पॉइंट, अपोस्टेट को मार डालते हैं, कहते हैं अपोस्टेट से आपके हम दुश्मन नहीं हैं, ये रिलीजन आपका दुश्मन है। देखा मेरा टोन ऐसा हो गया, ये रिलीजन आपका दुश्मन है, आप इसको छोड़ दें, छत पे जाए, स्टार्स को देखें। फिर पता नहीं क्यों वो ब्लैक एक डार्क शेडो आ गई थी, मैं तो खुदा के ऐसे ही शुक्र कर रही थी, कुरान में लिखा है पता है। फिर मैंने कुरान खोला तो एक दफ़ा आया, वाई इधर, वाई आर यू गोइंग, हाउ फार हैव यू गॉन, लाइक कम कम टू दिस रिलीजन, लाइक यानी छत पे नहीं जाओ, यानी कुदरत को देख के बोलो कि सुभान अल्लाह। लेकिन जैसे अब रसूलुल्लाह ने कहा है ना, वैसे करना पड़ेगा। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, डू नो व्हाट आई मीन, कि फजर की अजान हो रही है, बड़ा सा सितारा ऐसे ना आ रहा है, देखें नीचे आ रहा है, लाते तुम्हारी, आप तुम्हारी कहते हैं हम खुद अल्लाह को, आप हम सिर्फ रसूलुल्लाह को कहते हैं, तुम्हारी क्या कुदरत है, क्या प्रिंसिपल दी है, क्या सुकून दिया है मेरे दिल में, क्या आराम मिला है मुझे 6 साल के बाद। तो ऐसा ना, तो ये सही नहीं है, कहते हैं शिया ऐसा में, लाइक कम टू द प्रेयर मैट फजर टाइम, इधर उधर नहीं देखो। तो हमारे अहले बैत हम कहते थे, कहाँ जाते थे बाहर सीनरी देखने के लिए। लेकिन अगर ये क्रिश्चियंस शिया के साथ बात करें ना, जैसे डॉक्टर डेविड वुड ने, इमाम तौहीदी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड, वो तो देखें ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। ये आजकल अच्छा, हारिस सुल्तान के साथ भी इमाम तौहीदी ने बात की थी, तो ऐसा इमाम तौहीदी की तरह होना चाहिए। और कुछ ही आप इमाम तौहीदी पे इल्ज़ाम लगा रहे, पता नहीं कैसे कैसे। अगर आपको अली खमेनाई की तरह होना है, या ये ईरानी लीडर्स की तरह शिया उलमा और ऐसे, तो सही नहीं है। देखें ईरान में कितना प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वेमेंस राइट्स का आप सोचें, वेमेंस राइट्स इन दिस इस्लाम। अब हम हिंदुओं को तो नहीं कह सकते ना इधर, हम क्यों हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं इधर, हम अपने शियाओं को कह रहे हैं, ईरान के शियास, लीव दिस रिलीजन, हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, वी आर नॉट योर एनिमीज। ना एक खुलता है, लाइक यू लव लव एवरीवन। अगर ये सोचेंगे ये हमारा दुश्मन है, वेस्ट हमारा दुश्मन है, नेगेटिव नेगेटिव सोचना, हमेशा नेगेटिव सोचना कि कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है। अभी देखे परमहंस विश्वानंदा, जब भी ये रिलीजन की कोई नहीं है, राधा क्या उनका कीर्तन है, ओह गॉड, यहाँ कोई नहीं है हमारा, हमारी अपनी जय हो, हमारी अपनी जय हो, विश्वानंदिनी जहाँ भी राचे राधा रानी, यहाँ कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है तेरे। ओके सो ये हाँ अच्छा, अब ये रियलिटी में ऐसा है कि
अमेरिकन सुपर पावर्स हैं, तो देखें अगर उनको अपील करें। ऐसे तो कुरान में भी लिखा है कि फिरौन के पास हज़रत मूसा गया था, काइंड वर्ड। ओह, आई डोंट अग्री गिविंग सो मच लीनेज, वो क्या बोल रही हैं, लेवेज, वो कुरान का क्या वर्ड है, ट्रांसलेशन, रिस्पाइट, रिस्पाइट टू फिरौन। और फिर वो एक बेचारा जाता है, नाउ फिरौन, सी वंस यू गेट इनटू दिस एडिक्शन, पावर, देन व्हाई गिव देम सो मच पावर एंड कीप देम हैबिचुअली गोइंग ऑन। हैबिट ब्रेक करना कितना कितना मुश्किल है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द हैबिट।